क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स। हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं, और हम अगर हम इसके फैक्टर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमें वो बताना है। तो फैक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स। फैक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस फोर हम इसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर होता है ये वाली टर्म, x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस वन बाई एक्स माइनस टू, और ये हो जाएगा x माइनस वन बाई एक्स प्लस टू। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, वही फॉर्मूला हमने लगा दिया। तो ये दोनों फैक्टर्स हो गए, इस इन दोनों फैक्टर से अगर इस फैक्टर में से इस फैक्टर को मैं घटा दूं तो क्या बचेगा, फोर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फोर। तो ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, एसएससी ने यह क्वेश्चन दिया है बेसिक तरीके से, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ पूछी है, इसलिए ये आंसर आ गया। लेकिन जरूरी नहीं है ऑप्शन में आपको फोर ही मिले तो ही आपका आंसर करेक्ट हो। अगर आप ऑप्शन में आ जाता माइनस फोर तो भी आपका आंसर करेक्ट होता, और ऑप्शन में अगर आ जाता माइनस फोर रूट टू तो भी आपका आंसर करेक्ट होता, अगर ऑप्शन में आ जाता प्लस फोर रूट टू तो भी आपका आंसर करेक्ट होता। क्यों, अभी तो हमने एक डायमेंशन देखी है, इस डायमेंशन से सोल्व करने पर आ रहा है आंसर फोर। लेकिन अगर हम इस वाले एक्सप्रेशन से x माइनस वन बाई एक्स माइनस टू से सब्ट्रैक्ट करते x माइनस वन बाई एक्स प्लस टू को, तो क्या आता डिफरेंस, माइनस फोर। ठीक है, तो माइनस फोर भी हमारा आंसर हो सकता था, और माइनस फोर रूट टू और प्लस फोर रूट टू कैसे आंसर आता है वो भी देख लेते हैं एक बार। हमारी इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स। ठीक है, अगर मैं इसे माइनस टू और माइनस फोर में ब्रेक ना करके प्लस टू और माइनस एट में ब्रेक करता तो क्या होता, मैं इसे ये भी तो लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस एट, ये भी तो लिख सकते हैं हम इसे। तो ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा, ये एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस एट। एट को मैं क्या लिख सकता हूँ, टू रूट टू, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू रूट टू का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस टू रूट टू, एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस टू रूट टू। अब ये दोनों भी तो फैक्टर्स हो सकते हैं इस इक्वेशन के, और अब इन दोनों फैक्टर्स में एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर आप इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका माइनस फोर रूट टू आएगा, और अगर आप इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका प्लस फोर रूट टू आएगा। तो ये दोनों आंसर भी आपके हो सकते थे, ऑप्शन में खाली फोर दिया था तो आप फोर को टिक करना है, लेकिन अगर ऑप्शन में ये चार ऑप्शन आते, माइनस फोर आता या माइनस फोर रूट टू आता या प्लस फोर रूट टू आता, तो वो भी आपका आंसर हो सकता था। ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमें, हमें x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दे रखी है जो कि है रूट थर्टीन। हमें बतानी है x की पावर फाइव माइनस वन बाई एक्स की पावर फाइव की वैल्यू। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है, तो हमें माइनस की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं x प्लस वन बाई एक्स को x माइनस वन बाई एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस वन बाई एक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट इस वाली टर्म का स्क्वायर, रूट थर्टीन का स्क्वायर हो जाएगा थर्टीन माइनस फोर, यही करते हैं। तो x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट नाइन, रूट नाइन की वैल्यू कितनी होती है, थ्री। तो x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू आ गई हमारी थ्री। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये माइनस थ्री नहीं हो सकता, प्लस माइनस थ्री यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि रूट से कोई वैल्यू बाहर निकल रही है तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर निकल सकती है रूट से। तो यहाँ पे खाली प्लस थ्री होगा, माइनस थ्री वाला केस यहाँ पे नहीं रहेगा, इस चीज़ का आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब हम निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा, थ्री क्यूब प्लस थ्री इंटू थ्री। फॉर्मूला होता है ना, अगर हमें एक्स माइनस वन बाई एक्स दे रखा हो और उसकी वैल्यू दे रखी हो वी, तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब कितना होता है, वी प्लस थ्री वी होता है। तो वही हमने करा है, ये हो गया ट्वेंटी सेवन प्लस नाइन, ट्वेंटी सेवन प्लस नाइन कितना हो जाएगा, थर्टी सिक्स। एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर मैं एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू हमें क्या दी गई थी, थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थ्री स्क्वायर प्लस टू। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी नाइन प्लस टू इलेवन, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई इलेवन। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो एक्स की पावर फाइव आएगा। हमें x की पावर 5 निकालनी है, तो हमें देखना चाहिए
कि किन दो पावर्स को ऐड करके x की पावर 5 हम निकाल सकते हैं। डायरेक्टली कोई तरीका नहीं होता x की पावर 5 निकालने का, तो हम क्या करेंगे, अब x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x क्यूब माइनस 1 बाय x क्यूब में, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाय x प्लस x माइनस 1 अपॉन x की पावर 5। ठीक है, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी 11, x क्यूब माइनस 1 बाय x क्यूब की वैल्यू कितनी आई थी 36। ठीक है, इक्वल्स टू x की पावर 5 माइनस 1 बाय x की पावर 5 को अलग लिख देते हैं जो कि हमें चाहिए, तो x की पावर 5 माइनस 1 बाय x की पावर 5 यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या बचेगा, x माइनस 1 बाय x, x माइनस 1 बाय x की वैल्यू कितनी थी 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ये हो जाएगा प्लस 3। ठीक है, ये 3 आगे जाके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एक्स क्यू एक्स की पावर 5 माइनस 1 बाय एक्स की पावर 5 की वैल्यू हो जाएगी 11 इंटू 36 माइनस 3। अब मैंने सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं करा, मल्टीप्लीकेशन क्यों नहीं करा, क्योंकि आप मल्टीप्लीकाई तभी करोगे, टाइम लगा दोगे। अब क्या करना है, आप चारों ऑप्शन की यूनिट डिजिट देखो, चारों ऑप्शन की यूनिट डिजिट बिल्कुल अलग है, तो आप डायरेक्टली यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हो। 1 इंटू 6 करा 6 माइनस 3, यूनिट डिजिट जो हमारा आंसर होगा उसकी होगी 3। खाली थर्ड ऑप्शन ही ऐसा है जिसकी यूनिट डिजिट है 3, तो थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। हमें क्या दिया गया है, एक ट्राइंगल है जिसकी 3 मीडियंस की हमें लेंथ दे रखी है, हमें बताना है ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 4/3 इंटू एरिया ऑफ मीडियंस। एरिया ऑफ मीडियंस का मतलब मेरा यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ मीडियंस का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर मैं तीनों मीडियंस को ट्राइंगल की एक लेंथ मान लूँ और उसका एरिया निकाल लूँ, तो उसे मैं कह सकता हूँ एरिया ऑफ मीडियंस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, वह 4/3 इंटू, अगर 18, 24 और 30 किसी ट्राइंगल की साइड होती है और उसका एरिया निकालता हूँ तो वो होता है एरिया ऑफ मीडियंस। तो एक ट्राइंगल मान लेते हैं जिसकी साइड्स हैं 18, 24 और 30, इस ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना है। आपको क्लियरली दिख रहा है ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, मतलब 18, 24 और 30 एक ट्रिपलेट बना रहा है, और ट्रिपलेट जब इस तरह का होता है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या हो जाएगा 18 और हाइट कितनी हो जाएगी 24, हाफ इंटू 18 इंटू 24, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 1/2 इंटू 18 इंटू 24, 2 से 4 काट दिया ये बचेगा 2, 3 से ये काट दिया ये हो जाएगा 6, 2 इंटू 6 कितना हो गया 12, 12 इंटू 24, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 12 इंटू 12 होता है 144, 144 इंटू 2 कितना हो जाएगा 288, 288 हमारा आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट से करना चाहते थे यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा यूनिट डिजिट आएगी 8, चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 3 ही ऐसा है जिसकी यूनिट डिजिट 8, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें एक ट्राइंगल दिया गया है ABC और O पॉइंट जो है वो हमारा इन सेंटर है, CO/OD हमें दे रखा है जो कि है 3/2, और क्या हमें दे रखा है, AO/OE हमें दे रखा है जिसकी वैल्यू है 5/4। हमें बताना है BO/OF क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और आपको ये क्वेश्चन आना भी चाहिए। इसके लिए एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज होगी, O हमें इन सेंटर दे रखा है, अगर हमें इन सेंटर दे रखा हो O, सेम मैं मान लेता हूँ AB को मान लेता हूँ मैं A, BC को मान लेता हूँ B और AC को मान लेता हूँ C, O हमारा इन सेंटर है, तो ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, AO/OE की वैल्यू क्या होगी, A+C/B, A ये वाली साइड है, C ये वाली साइड है और B ये वाली साइड है, तो AO के दोनों तरफ की साइड हमने देख ली, A और C इन दोनों को आपस में ऐड करा और उसे डिवाइड कर दिया नीचे वाली साइड से जो कि है B। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, अगर ये प्रॉपर्टी पता होगी तभी आप इस तरह के क्वेश्चन कर पाओगे। इसी तरीके से BO/OF हो जाएगा A+B/C और CO/OD हो जाएगा C+B/A। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। तो हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, CO/OD की वैल्यू दे रखी है, CO/OD की वैल्यू कितनी है 3/2, तो हम कह सकते हैं C+B/A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2। और क्या हमें दे रखा है, हमें वैल्यू दे रखी है AO/OE की, तो AO/OE की वैल्यू कितनी है 5/4, AO/OE क्या है A+C/B, इसकी वैल्यू कितनी है 5/4, हमें वैल्यू कितनी निकाल, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है BO/OF की,
बी ओ बाई ओ एफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी बाई सी। ए प्लस बी बाई सी की हमें वैल्यू निकालनी है, जो कि बराबर होगी बी ओ बाई ओ एफ की। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब करना क्या है, अगर आप देखोगे अगर ए प्लस बी प्लस सी दोनों में कॉन्स्टेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर हम ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो 3 + 2 = 5 बन जाएगा, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो ये 9 बन जाएगा। तो हम इसे इक्वल कर लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 5 + 4 से जो कि होगा 9, और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 3 + 2 से जो कि होगा 5। तो ये हो जाएगा सी प्लस बी बाई ए इक्वल्स टू 27/18। ए प्लस सी बाई बी हो जाएगा 25/20। तो क्लियरली आप देख रहे हो ए की वैल्यू आ गई 18, बी की वैल्यू आ गई 20, सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सी प्लस बी की वैल्यू अगर 27 मान लेते हैं, सी प्लस बी अगर 27 है तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 - 20, सी की वैल्यू आ गई हमारी 7। अब वैल्यू हमें किसकी निकालनी थी, बी ओ बाय ओ एफ की, जो कि बराबर है ए प्लस बी बाई सी के। ए की वैल्यू कितनी थी 18, बी की वैल्यू कितनी है 20, और सी की वैल्यू कितनी है 7। तो ये हो जाएगा 38/7। ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3 है 38/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, हमें वैल्यू निकालनी है 10θ/2 + 4θ/2 की। हमें बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप थीटा को यहाँ पे 90 रख दोगे तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। थीटा को जैसे ही आपने यहाँ पे 90 रखा तो ये 10 बन जाएगा और ये भी कोट 45 बन जाएगा। 10 + 45 कितना हो जाएगा देखते हैं, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा कोट 45। 10 की वैल्यू होती है 1, कोट 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 = 2। चार ऑप्शन में 90 रख के देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है। कोसेक 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 2 × 1 ये हो जाएगा 2, ये हमारा आंसर हो सकता है। सेक 90 की वैल्यू कितनी होती है इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। कोसेक 90 की वैल्यू भी होती है 1, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो खाली ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट बन रहा है, यही हमारा आंसर होगा पहला तरीका। अब हम बेसिक से भी सीख लेते हैं, क्योंकि हमें हर क्वेश्चन को बेसिक से भी आना चाहिए। 10θ/2 + 4θ/2 हमें करना है। 10θ/2 को क्या लिख सकते हैं, sin θ/2 / cos θ/2 + cot θ/2 को लिख सकते हैं cos θ/2 + sin θ/2। ये हो जाएगा sin²θ/2 + cos²θ/2 डिवाइडेड बाय sin θ/2 cos θ/2। ये तो हो जाएगा 1, प्रॉपर्टी होती है ये 1 डिवाइडेड बाय sin θ/2 cos θ/2। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे 2 साइन ए कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2a। तो ये जगह 2 अपॉन में sin 2 × θ/2, तो ये जगह sin θ 1/sin θ क्या होता है कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा 2 cosec θ। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, बेसिक से भी सीख लिया हमने। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, sin²θ + cos²θ - 1 = 0। हमें वैल्यू बतानी है cos²θ sin²θ की। हमें एक कंडीशन और भी दे रखी है, θ≠0 or π/2। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है, चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब छोटी सी बात मुझे बताओ, cos²θ or sin²θ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। मैक्सिमम और मिनिमम का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। cos²θ sin²θ की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1/2n। क्या होता है यहाँ पे 2, तो 2^2। cos²sin²θ की मैक्सिमम वैल्यू होगी 1/4। ये कॉन्सेप्ट आपने मैक्सिमम मिनिमम जब आपने पढ़ा होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 1/4 हो सकती है, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, दोनों पॉजिटिव है और स्क्वायर होता है, मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0। मिनिमम वैल्यू कब होती है cos²θ sin²θ की, जब थीटा या तो हमारा 90° हो या थीटा हमारा 0° हो। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन इन्होंने हटा दी,
तो ये वाला आंसर हमारा ऑप्शन से नहीं मैच कर सकता, तो ये नहीं हो सकता। अभी आप फिलहाल इस इक्वेशन को भूल जाओ, इस पर हम बाद में आएंगे। पहले आप इसी से समझो कि हमें निकालना क्या है, हमें कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, और थीटा ना ही जीरो हो सकता ना ही पाई बाई टू हो सकता, तो जो हमारी वैल्यू होगी जीरो नहीं हो सकती। तो क्या हो सकती है, हमारी वैल्यू जीरो से तो बड़ी होगी और वन बाय फोर से छोटी होगी, वही वैल्यू होगी हमारी कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की। चारों ऑप्शन देख लो, चारों ऑप्शन में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो हमारे आंसर से मैच करता हो, क्योंकि जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि थीटा ना ही जीरो है ना ही नाइन्टी है, माइनस वन का तो मतलब ही नहीं बनता, टू हो नहीं सकती और ना ही वन हो सकती, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज वन बाय फोर से बड़ी हैं। ये क्वेश्चन ही बिल्कुल गलत है, इस क्वेश्चन का आंसर आ ही नहीं सकता, चारों ही ऑप्शन इस क्वेश्चन के बिल्कुल गलत हैं। नॉर्मली अगर ये क्वेश्चन बनता तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए थी, अगर ये कंडीशन नहीं होती और ये क्वेश्चन पूछा जाता हमसे तो हम कहते कि हाँ कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जीरो होगी इस चारों ऑप्शन में से, यही वैल्यू पॉसिबल है। अगर लेकिन क्या है, हमें कंडीशन दे रखी है थीटा ना ही जीरो है ना ही पाई बाई टू है, तो चारों में से कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती, तो कोई भी वैल्यू इसमें से नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। एसएससी ने क्या किया हुआ है, एसएससी ने इसका आंसर दे रखा था टू, मतलब ऑप्शन नंबर फोर टू इसका करेक्ट आंसर दे रखा था। उन्होंने बेसिकली क्या करा था, इस इक्वेशन को लिया, इस इक्वेशन को सोल्व करना स्टार्ट करा और लास्ट में आपकी वैल्यू टू आ जाएगी इस इक्वेशन को सोल्व करोगे। लेकिन साइन और कोस की बात यहाँ पे हो रही है, और साइन और कोस की प्रॉपर्टी यही होती है कि कोस की वैल्यू कभी, कोस थीटा की वैल्यू आपको पता है मैक्सिमम कितनी हो सकती है, या तो वन होगी या वन से छोटी होगी, तो हम कह सकते हैं कोस थीटा की वैल्यू वन से छोटी होगी। इसी तरह से साइन थीटा की अगर हम बात करें, या तो वन होगी या वन से छोटी होगी। तो अगर हम कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा करें तो कभी वन से ऊपर तो वैसे ही नहीं जा सकता। अगर बेसिक की बात करें तो वन से ऊपर तो वैसे ही दिख रहा है हमें, वन से ऊपर तो वैल्यू जा ही नहीं सकती। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली बात करो तो मैक्सिमम वैल्यूज की वन बाय फोर तक जा सकती है, जो कि हम मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ते हैं। तो ठीक है, तो टू तो आंसर कैसे भी आ ही नहीं सकता। अगर यहाँ पे कोस थीटा और साइन थीटा की जगह कुछ और होता तो शायद टू आंसर बन सकता था, लेकिन कोस थीटा और साइन थीटा की यहाँ पे बात हो रही है तो ये आंसर टू आ ही नहीं सकता, ये आंसर बिल्कुल गलत है। कुछ बुक्स में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे होंगे, वहाँ आपको मिल रहा होगा ये क्वेश्चन और आपको आंसर भी निकाला गया होगा टू, लेकिन वो बिल्कुल गलत तरीका है, बिल्कुल गलत आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर कोई पॉसिबल है ही नहीं दिए गए ऑप्शन में से, ये क्वेश्चन ही बिल्कुल रॉन्ग है।